नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जलंधर के चमन ग्राउंड पीएपी में मनाया गया 64वां पुलिस यादगार दिवस। डीजीपी गौरव यादव ने की बतौर मुख्य मेहमान शिरकत। जंडियाला गुरु निवासी जज बना आसदीप सिंह, पहुंचा अपने स्कूल डायरेक्टर व प्रिंसिपल का लिया आशीर्वाद। और अब हलचल विस्तार से। जलंधर में 64वां पुलिस यादगार दिवस चमन ग्राउंड पीएपी जलंधर में मनाया गया, जिसमें पंजाब के डीजीपी गौरव यादव मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का ये फंक्शन पूरे भारत देश में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। इस दौरान पंजाब के बहादुर पुलिस अधिकारी, जिन्होंने शहादत देकर पंजाब के अमन कानून को बनाए रखा, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं शहीदों के परिवारों से भी मिलकर उनकी परेशानियों को सुना गया और मौके पर उनका हल किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने सड़क सुरक्षा फोर्स को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के तहत बहुत जल्द फोर्स आपको सड़कों पर देखने को मिलेगी, जिनकी यूनिफॉर्म भी अलग होगी। ड्रग्स को लेकर कहा कि उन्होंने 3 फेज शुरू किए हैं। पहले फेज में हर लेवल के अधिकारियों ने गली मोहल्ले में जाकर मीटिंग की, ताकि लोग नशे को लेकर अवेयर हो सके, इससे पुलिस को मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि नशे के ड्रग स्पॉट कौन से हैं, वह आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और किस तरह जगह जगह नशा पहुंच रहा है, इसके पीछे कौन कौन है, ये सभी पता चला है। जो दरबार साहब से अभियान शुरू किया गया, वह भी लोगों की अवेयरनेस के लिए है। ऐसे ही अलग अलग प्रयास लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज असी जिहड़ा पुलिस कमेमोरेशन डे होता है, जिहड़ा ते सारे हिंदुस्तान दे विच शहीदां नूं श्रद्धांजलि देने लई फंक्शन किया जाता है। तो असी पंजाब पुलिस की कुरबानियाँ, जिहड़े साढ़े बहादुर अफसर जिन्होंने कुरबानियाँ दे के पंजाब दे विच अमन ते शांति बहाल कीती सी, उन्हां नूं श्रद्धांजलि देंदे हैं। एट द सेम टाइम इट इज़ अवर कमिटमेंट टू द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द पुलिस मार्टियर्स एंड देयर फैमिलीज। सो उन्हां दे नाल भी असी हर साल ही ट्रडिशनली मीटिंग करते हैं। उन्हां दी जिहड़ी दुख तकलीफां समस्यावां नूं असी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सर, अज शहीदों के परिवारों को भी तो मिले, उन्होंने अपनी मुश्किलों तो साझे की मुश्किल कि तकरीबन असी जिमें गवर्नमेंट जॉब्स की होंगी है, जिहड़े इन्हां दे बच्चे हैगे उन्हां दे ट्रांसफर्स बारे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज होंगे, तो साडा एक कंटीन्यूअस प्रोसैस होंगे इंटरैक्शन का। तो असी इन्हां नाल मिलते रहने, जिमें दिवाली ते साडे ऑफिसर्स इन्हां दे घरां च जाके उन्हां नूं दिवाली गिफ्ट देंदे हैं। सो एक पुलिस वेलफेयर का हिस्सा है। असी मार्टियर्स दी फैमिलीज़ का ध्यान रखते हैं, उन्हां नाल इंटरैक्ट करते हैं, तो उन्होंने जिहड़ी भी डे टू डे प्रॉब्लम्स होंदियां उन्हां नूं सॉल्व कीता जांदा। सड़क सुरक्षा कदों तक लागू होगी? नहीं, यह सड़क सुरक्षा फोर्स लई इनफैक्ट पीएपी दे जिहड़े न्यूली रिक्रूटेड 1500 मुलाजिम ईयरमार्क करके उन्होंने हुणे जदों पिछे सीएम साहब आए सी बेसिक ट्रेनिंग दे विच, उहदे विचों उन्हां दी एक स्पैशल कैप्सूल ट्रेनिंग कराई जा रही है फॉर रोड सेफ्टी। तो इहदे लई जिहड़ी गड्डियां दा ऑर्डर भी प्लेस करता गया है, तो बहुत छेती जी है फोर्स जी सड़कों पर आऊगी। यूनिफॉर्म भी इन्हों डिफरेंट होगी। बेसिकली चीफ मिनिस्टर साहब का कंसैप्ट कि जमें दूजे देशों के बहुत तो बहुत मॉडर्न जी टोयोटा हाईलैक्स जी गी हैगी सिलेक्ट की गई, तो ये 121 गड्डिया जी टोयोटा हाईलैक्स डिप्लॉयड हो, 28 गड्डिया इंटरसैप्टर जी गड्डिया स्कॉर्पियो गड्डिया डिप्लॉयड हो। सो पूरे पंजाब एवरेज 30 किलोमीटर तो बाद एक गड्डी दी लोकेशन होगी। सो वो जदों भी कोई डिस्ट्रेस कॉल होगी रोड सेफ्टी लई ते वो इमीडिएट रिस्पोंड करेगी। जंडियाला गुरु के अधीन आते गांव तारागढ़ निवासी आसदीप सिंह की जज के तौर पर सिलेक्शन हुई है। वह अपने सेंट सोल्जर इलीट कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर मंगल सिंह और प्रिंसिपल अमरप्रीत कौर का आशीर्वाद लिया। इस दौरान आसदीप सिंह ने कहा कि उन्हें यहाँ आकर बहुत खुशी और मान महसूस हो रहा है और वह विद्यार्थियों से कहेंगे कि वह अपने अध्यापकों का कहना माने और उनका आदर करें। इस मौके पर डायरेक्टर डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है, जिसे वे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, कि उनके स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी आज जज के पद पर विराजमान है। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से भी खुशी का इजहार किया गया और जज बने आसदीप के साथ सवाल जवाब किए गए। जंडियाला से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। बहुत वधिया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जिथे मैं किसी वेले अपनी स्कूल यूनिफॉर्म चाहता सी, अज मैं जो मुकाम हासिल कर लिया, मैं उस यूनिफॉर्म च आया, तो सो बहुत वधिया लग रहा है। अज कोई याद, कोई पुरानी याद आई? याद
प्रिंसीपल सर की प्रिंसीपल मैम की याद ने कि मतलब आना सर का एक डर रहना मतलब हमेशा सर देख लेने क्लास से आना मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ा ने लेकिन वही सर तो अज बहुत मतलब एक ऑनर हो के बहुत वधिया लग रहे हैं। स्कूल का कोई मैसेज देना चाहो स्कूल से पढ़े गए बच्चों कोई मैसेज देना चाहो अपने आही है कि जो भी टीचर्स गाइडेंस देंगे ने जो भी टीच करते हैं उन्होंने उत्तर फोकस करो मतलब एक टीचर को लाइट ना लाओ जो भी ईवन वो सब्जेक्ट तो हट के भी कोई गल कर रहे हैं भी कोई मीनिंग आ सो ऑलवेज फोकस ऑन दैट थिंग एंड बाकी स्कूल तो साडा है ही चढ़ती कला चलो आ जाओ कि खुशी हो रही जी स्कूल का विद्यार्थी जो पढ़ के इतने काम से पहुंचा नहीं मिली नहीं जा सकती एक खुशी जी है यह कोई अथाह ही नहीं है क्योंकि जो अपने बच्चे इस मुकाम पर पहुँचते हैं तो मापियां वो खुशी होंगी है तो असी सदा ही इन्हें बच्चों के अंग संग रहने इन्हों इन की अपलिफ्ट वास्ते कि होर मुकाम उच्चा कर होर उच्चा कर सा यत्नशील रहने प्रार्थना करते हैं और साड़िया जीडिया प्रार्थना ने वो कामयाब हुई हैं 25 साल अं मना रहे 25 साल मना रहे अपने स्कूल की सिलेबस मना रहे हैं तो सुबरी जुबली उत्ते सानू बड़े वड़ी वड़ी संदेश आए हैं कि साढ़े स्कूल का बच्चा आसदीप जज बन के आ साढ़े को 3 बच्चे साढ़े को जिहड़े आ ला अफसर बन के आ रहे हैं तो एक बच्चा साडा हॉकी का पर सोमवार को आ रहा जो कैप्टन इंडिया टीम का तो लगता है भी फुलवाड़ी जी है ये फुल जड़े है ये खेडने शुरू हो गए और सानी जी खुशी है वो ऑटोमैटिकली है जो माली के बाग के फुल खिड़ने शुरू हो जाए फल पैना शुरू हो जाए तो माली नूं जिहड़ी खुशी हुंदी आ ਉਹ ਮਾਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के 7वें दिन की शुरुआत कलाकारों ने सीता हरण के संवाद के साथ की जिसमें लक्ष्मण के द्वारा त्रूपनखा का नाक काटने के बाद रावण क्रोधित हो जाता है जिसके बाद वह माता सीता का हरण कर लेता है। 7वें दिन की रामलीला की शुरुआत मुख्य मेहमान KD भंडारी बबलू शर्मा बलविंदर यादव VP गुप्ता यशपाल ठाकुर मोहिंद्र प्रभाकर रवि मरवाहा सुरेंद्र लब्बी ने रिबन काट कर किए। इस अवसर पर प्रधान डॉक्टर सीताराम संरक्षक राम सिंह सीनियर चेयरमैन दीपक सूरी चेयरमैन VP गुप्ता उपप्रधान सुशील शुक्ला महासचिव महेंद्र राय मैनेजर राजेंद्र तिवारी विनोद कुमार विक्रमजीत वर्मा सूर्य मिश्रा हरिराम प्रजापति प्रताप नारायण यादव रामू प्रसाद सियाराम सूर्यनाथ यादव अरुण पाल प्रेमचंद सैनी शिव कुमार यादव विनोद पटेल सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। इस रामलीला कमेटी के आदरणीय प्रधान मेरा छोटा वीर है डॉक्टर सीता जी सीताराम जी बहुत ही सत्कारयोग प्रताप नारायण जी रमेश मिश्रा साहब छोटे वीर है VP गुप्ता जी अशोक मिश्रा जी सब तो पहला सीताराम जी नू इन्हां दी पूरी टीम नू बहुत ही मुबारकबाद है कि जेडे बहुत ही विपरीत स्थितियों के बीच भी इन्होंने कभी अपनी हार नहीं मनी। हूँ भी 2 दिन लगातार इतने मीह पैदा रहा लेकिन ये साड़ी टीम ने इन्होंने मन के श्री राम के प्रति और अपने समाज के प्रति जी भावना है कि अपने आने वाले जनरेशन असं किस तरीके सनातन का जोड़ना वै श्री राम का जोड़ना वै वो पीड़ा सीताराम जी और टीम के भर भर के भरी है फुट फुट भरी है और मैं इस गल इन्होंने सारी टीम को मुबारकबाद दूंगा और श्री राम को अरदास करूंगा कि ये टीम इस तरीके धर्म और समाज की सेवा करे असी सारे रल के अपनी इस टीम का साथ देिए ऐसा मैं तुम विश्वास करूँगा।
ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਨੀ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸਨੇਹ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਨਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕਿਆ ਐਸੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰੀਏ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨਕਾ ਹਰ ਦਮ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨਕਾ ਇਸ ਸਮਿਤ ਕੇ ਮੰਚ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਦਿਨ ਚੁਗੁਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਇਨਕੀ ਉਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮਾਦਾ ਦੇ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮਿਤ ਕੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਔਰ ਸੁਦੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਰਾਮ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕੀ ਜੋੜੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੰਚ ਕੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂ ਕਿ ਹਰਦਮ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਮੇ ਇਨਹੀਂ ਕੇ ਬਦੌਲਤ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਰਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਦੈਨ ਹਲਚਲ ਚੈਨਲ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸ੍ਰੀਮਨ ਆਪ ਨੇਤਾ ਰਵੀ ਬਰਵਾਹਾ ਜੀ ਮਹਾ ਸਚਿਵ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਵਲੀ ਜੀ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਤਾਰਾਮ ਪਾਠਕ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਏ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਿਊ ਨਵ ਯੁਵਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸੋਡਲ ਰੋਡ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਂ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਮੰਦਿਰ ਕੋਟ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕੇ ਸਾਤਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਨਾਈਟ ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਖੋਜ ਕੇ ਦ੍ਰਸ਼ਯ ਕੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕੇ ਸਾਤਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲੰਧਰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਢੀਂਗਰਾ ਟਿੰਕੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਮੋਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਰਵੀ ਮਰਵਾਹਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲੱਬੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੰਦੀਪ ਨਾਰੰਗ ਪੁਨੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਕੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੱਗੀ ਮੁੱਖ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਹਿਤੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਕੋਸ਼ਾਧਿਅਕਸ਼ ਯਸ਼ੂ ਸਿਆਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੋਪੜਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਪਲ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹਾਂਡਾ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਕੀ ਸਿਆਲ ਸਹਿਤ ਅਨਯ ਭਕਤਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ
एक बहुत ही बढ़िया अदारा गरीब बच्चों के वास्ते एस बी टी मॉडल स्कूल जो साढ़े संघदा ही है संदीप नैन जी और संदीप दत्ता जी ये सारी टीम प्राशद जी सारी टीम बहुत ही बढ़िया तरीके गरीब बच्चों उत्थे मुफ्त शिक्षा दी जाती है लोड़वंद बच्चों के वास्ते किताबा उसके नाल नाल टैम टू टैम उस स्कूल मैडिकल कैंप भी लगते हैं हर तरह की सुविधा जी उस एरिए सोडल विखे सारा जो सोडल का इलाका है उत्थे उस स्कूल का नाम है और इन्होंने वर्गे समाज सेवक जोड़े अपनी इस उम्र आके हम समाज की सेवा जुड़े ने एक नवा इतिहास रचा है कि उस स्कूल बहुत घट संख्या से बच्चों की अज बहुत बड़े लैवल के उपर स्कूल जा रहे हैं टेंथ तक उस स्कूल अप्रूव भी कराया गवर्नमेंट तो उस तो बाद हमने मैं दसिया संदीप जी ने कि रविवार को भी उस स्कूल मैडिकल कैंप लगन जा रहे हैं मैं संबंध में तुम सारे वास्ते भी सदा दिना किसी भी बजुर्ग ने साढ़े ने किसी कुछ किसी तरह का किसी घर कोई पेशेंट है किसी ने भी उसे चैकअप कराना उसे फ्री मैडिकल कैंप है सारे उत्थे मंत्रित हो उत्थे जाके आप मैडिकल वधिया जी टीम डॉक्टर की होनी है उन्होंने तो अपना चैकअप भी करा सकते हैं परमात्मा वैसे किसी ने जरूरत ना डॉक्टर की पावे लेकिन अगर किसी ने जरूरत है तो उत्थे सारा काम फ्री होएगा उसके वास्ते सारे तुम आमंत्रित हो और संजीव टिंगरा जी इन्हें सारी टीम नवीन जी वर्मा जी रघु जी मेरे वीर मनीप टिंगरा जी बहुत टाइम तो समाज के जुड़े हुए हैं इस तरीक पुराने पिछले 60 साल तो चलती आ रही है पिछले 10 साल तो सू भी मौका मिले इन्होंने ना आके सेवा कर अभी अपने आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझते हैं सारे सामने बैठे जिदा बच्चे आए हुए फैमिली के नाल देख के अपना मन खुश हों कि अपने बच्चों ये सारे कल्चर बारे अपने इतिहास बारे जानू करवाइए ताकि बच्चों सारा कुछ पता लग सके अभी अपने बच्चे आप नाल लैके आए हैं ताकि इन्हों भी दिखा सकी कि पहला कि फैमिली से सारिया इकट्ठिया रहा कि सारा आपसी प्यार हों ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ माँ दुर्गा के चल रहे नवरात्रों पर माँ दुर्गा के नौ रूपों में एक माँ कात्यायनी के छठे नवरात्र पर चल रही नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम भजन संध्या के छठे दिन शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुरमालिनी धाम में भजन संध्या करवाई गई जिसमें शिव भारद जैन पाठी लुधियाना वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके पश्चात भजन गायक शिव भारद्वाज एंड पाठी लुधियाना वालों ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया इस अवसर पर कोषाध्यक्ष पविंदर बहल सुदर्शन ज्योति सीमा गल्होत्रा अरुण वर्मा रमन वर्मा मनीष शर्मा राजू शर्मा पवन मेहता सुनील अरोड़ा भूषण कोहली अर्जुन मल्होत्रा दमन मेहता रीटा सहित बड़ी संख्या में माँ भक्त मौजूद रहे जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट तेरी शुक्रवार की चौकी हम भरते सच्चे मन से मातुर पूर्णी भरना माधन से माधन से तेरी शुक्रवार की चौकी हम भरते सच्चे मन से तेरी शुक्रवार की चौकी हम भरते सच्चे मन से तेरी शुक्रवार की चौकी हम भरते सच्चे मन से कैसे कोई सवाली ना कभी गया ना खाली कैसे कोई सवाली ना कभी गया ना खाली तेरी जोत चले इस घर में तेरी जोत चले जिस घर में उस घर में रोज दिवाली
दिवाली अब हमको भी दे देना, हौसला जरूर बढ़ा दिया करो साथी साढ़े का, ताकि उन्होंने भी पता लगे माँ के दरबार च आए हैं तो मान सम्मान मिल गया है। तो आज साढ़े छोटे वीर नीरज मित्तल जी जिन्होंने लंगर लगाया होया है, तो सारी संगत अगर बेनती करते हैं मेरे वीर कि उसनों ग्रहण करके सारी संगत जाए। बहुत सारी माया है, बोलना भी जरूरी है कि मंदिर वास्ते लोगों वास्ते बहुत उत्साह है, मंदिर के दान वास्ते विनय आर्य जी बहुत सारी माया, मेरे वीर नीरज मित्तल जी बहुत सारी माया, हरबंस गगरेजा जी बहुत सारी माया, चड्डा परिवार वालों बहुत सारी माया, छोटा बच्चा छोटा सिंगर सिकंदर जी वालों बहुत सारी माया, पवन मेहता जी बहुत सारी माया, अरुण वर्मा जी मेरे वीर बहुत सारी माया, चावला परिवार तो साढ़े भैन जी बहुत सारी माया, टुकरार परिवार तो बहुत सारी माया, कपिल भाटिया जी कुलदीप भाटिया जी बहुत सारी माया, मां दे इस मंदिर के अंतक सेवादार हर्ष महाजन जी दरबार के अंदर जो सेवा लगातार 10 बजे तक करेंगे, बहुत सारी माया भेज रहे हैं। महारानी खजाने भरपूर रखे, मेहर करिया हाथ बचे दे सिर से रखे। तो सूचना जिस करके मैं भागवत साहब को माइक लिया है कि तुम जानते हो कि पिछले इतवार संक्रांत सी और संक्रांति तो अगे जो एतवार आता है उसमें महाराणी के इस दरबार का पावन चपहरा होता है। ये चपहरा परसों एतवार दोपहरे 12 बजे तो शुरू होगा, महाराणी की इच्छा तक चलेगा और सारी संगत हम मां के पहुंच के महाराणी का आशीर्वाद लेगा। नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेस वन में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के छठे दिन की शुरुआत हुई। इस भजन संध्या के छठे दिन गायक अशोक शर्मा एवं कुमार आशीष शर्मा ने गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हुए देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर भाजपा जलंधर देहात के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेस वन के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस भजन संध्या में आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेस वन के प्रधान राजेश अग्रवाल, उपप्रधान अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमन पुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस बत्रा, सोनू कुलवंत राय पुरी, सुखदेव कुमार ने गायक अशोक शर्मा एवं कुमार आशीष शर्मा को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Oh!
अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जलंधर के चमन ग्राउंड पीएपी में मनाया गया 64वां पुलिस यादगार दिवस डीजीपी गौरव यादव ने की बतौर मुख्य मेहमान शिरकत। जंडियाला गुरु निवासी जज बना आसदीप सिंह पहुंचा अपने स्कूल डायरेक्टर व प्रिंसिपल का लिया आशीर्वाद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।